Hi everyone, very good evening. Hello and welcome to Koki Play. Koki Play में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है. मैं हूँ आपका गोकी कोच तुफैल और ये है मेरी क्लास जिसका नाम है Get Fit with तुफैल. So today we are discussing about a very important and a very urgent topic, which is how regular exercises can protect against coronavirus. Okay, एक national और या फिर international global emergency हो चुकी है ये. तो इसके बारे में आज discuss करेंगे हम लोग कि exercise किस तरह से अपना part निभा सकती है इससे आपको बचाने के लिए. So stay tuned, we are starting in next few minutes. Right now waiting for more people to join the class, and once we have good number of people with us, we will end the intro part and start with the topic. So those who have joined in already can comment and let me know that you are able to see and hear me. आप लोग देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, comment करके बताइए. So 81 people watching us live and it is still increasing. And सबसे पहला comment आया है भारती जी का. Hi भारती जी, very good evening. How are you doing? Okay, भारती जी says yes. Thank you for the confirmation, भारती जी. So 135 people live with around 600 hearts and 3 comment and तीनों की तीनों भारती जी की तरफ से आए हैं. Waiting for more people to comment and show your presence. We're starting in next 2 minutes. So meanwhile you can let me know what exercises did you do today or you are planning to do it in the evening. क्या exercises किया already आपने या फिर करने वाले हो शाम में, क्या है बताइएगा comment करके. Karan Gangwani, hi Karan, very good to see you. And I'm expecting a lot of questions today from you. So health and fitness related, exercise related questions पूछो. और आज आपको सारे के सारे सवालों का जवाब मैं आपको इमीडिएट देता रहूँगा. लास्ट तक रुकना नहीं है आपको. You don't have to wait till the end. So quickly आपको आपके questions के सारे answers मिलते रहेंगे. So ask. More and more questions related to exercise. No, आज practical class नहीं है, Monday को होगी practical class. वसीम रहमान जी, hello, very good evening. How are you, वसीम जी? I can feel the fog and smoke coming out. So back straight के लिए, back straight के लिए क्या जानना है आपको? आपका back का posture ठीक नहीं है. This is what you want to say. आप थोड़ा आगे की तरफ stoop करते हो या फिर hunch करते हो आगे की तरफ. अब ऐसे पूरा straight नहीं होता है, is it? या फिर आपको कोई back pain है? क्या आप अपने question complete कर सकते हो? Can you please complete your question so that I will be able to answer you in a better way? Karan says, yesterday I did leg, today abs, functional training. So how was the leg workout? Did you go heavy or did you go for more repetitions? How was it? And are you feeling sore legs today? Soreness hai kuch?
टाइटन योर कोर वाइल डूइंग वेट ट्रेनिंग, वन इज पेंडिंग. या वो तो प्रैक्टिकल में आप मुझको पूछेगा, प्रैक्टिकल सेशन जब होगा उस दिन जितने प्रैक्टिकल सवाल पूछना है उस दिन प्रैक्टिकल पूछ लीजिएगा. आज थेरी सवाल पूछिए. और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, COVID-19. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? दिस मीन्स कोरोना वायरस, जो देखते ही देखते बढ़ता जा रहा है, बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं. दिस इज व्हाई आई वांटेड टू चूज दिस टॉपिक एंड डिस्कस अबाउट द सीरियसनेस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इट एंड हाउ एक्सरसाइज कैन हेल्प यू टैकल विद इट. ठीक है, सो लेट अस एंड द इंट्रो एंड स्टार्ट विद द क्लास, सो दैट नेक्स्ट टाइम व्हेन यू वॉच द क्लास अगेन यू डोंट हैव टू वेट मच, यू कैन क्विकली स्किप द इंट्रो पार्ट एंड स्टार्ट विद द एक्चुअल कॉन्टेंट ऑफ द क्लास. सो इंट्रो हो गया एंड. सो वंस अगेन वेलकम टू गोकी प्ले. मैं हूं आपका गोकी कोच तुफैल और ये है मेरी क्लास जिसका नाम है गेट फिट विद तुफैल. सो टुडे एज आई सेड वी आर डिस्कसिंग अ वेरी सीरियस इशू विच इज कोरोना वायरस. देखते ही देखते बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रहा है, देखते ही देखते अलग अलग कंट्री में ट्रैवल हो रहा है, अलग अलग कंट्रीज में स्प्रेड हो रहा है एंड अलग अलग जगह पे इफेक्ट हो रहा है. सो आई वुड वॉन्ट टू शो यू वन डेटा. ठीक है, ये आज का ही डेटा है तो अभी मैं आपको वर्बली बताऊंगा अगर तो कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको, इसीलिए मैं आपको मेरे लैपटॉप में इसका प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा. एंड लेट अस स्टार्ट विद दिस प्रेजेंटेशन फर्स्ट एंड देन हम लोग इसके फिर एक्सरसाइज में कैसे आप इसको टैकल कर सकते हैं वो समझेंगे. ठीक है, सो हियर इट इज. सो सबसे पहले आप यहां पर देख लीजिए इसको. लास्ट अपडेट 550 का है आज की, 13 मार्च 550 का अपडेट हुआ है. एंड दिस इज ज्योग्राफिकल लोकेशंस के कहां कहां पे स्प्रेड हुआ है ये. बट मैं आपको इसको आसान तरीके से दिखाता हूं, एक प्रॉपर तरीके से एक लिस्ट व्यू में दिखाऊंगा आपको मैं, जिससे कि आपको समझने में पूरी तरह से आसानी होगी. जिसमें कि आपको तीन चीजें पता चलेगी कि नंबर ऑफ केसेस कंफर्म्ड, रिपोर्टेड डेथ्स एंड रिकवर्ड पीपल. ठीक है, इसके अलावा एक फोर्थ कैटेगरी भी है जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट यू कैन डू द मैथ्स एंड यू विल गेट टू नो कि कितने लोग अभी भी उससे रिकवर हो रहे हैं. ओके, तो इसको चाय को रख देते हैं और यहाँ पे हम लिस्ट व्यू देखते हैं. यहाँ पे कंट्री के नेम्स हैं, नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड, नंबर ऑफ डेथ्स, नंबर ऑफ पीपल रिकवर्ड. ठीक है, तो अगर ये आपको प्रॉपर दिख रहा है तो वेरी गुड, अदरवाइज आई विल रीड आउट फॉर यू. सबसे पहली और सबसे ज्यादा इफेक्टेड कंट्री जो है ऑब्वियसली चाइना है, बिकॉज वहीं से पूरा वो स्प्रेड हुआ है, वहीं से निकला है पूरा. ठीक है, तो नंबर ऑफ केसेस कंफर्म्ड यानी कि जितने केसेस सामने आए हैं इसके वो है 80,793. सो फार 80,793 केसेस कंफर्म हुए हैं. डेथ्स सबसे ज्यादा यहीं पर हुई है. ठीक है, विच इज 3,169 यानी 3,000 से ज्यादा लोग इस चीज की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं. रिकवर्ड 61,644 यानी पता चला था, डिटेक्ट हुआ था, बट फॉर्चुनेटली सही वक्त पर पता चला था, रिकवरी ट्रीटमेंट वगैरह चालू हुआ, जिस वजह से रिकवर्ड रेशियो अच्छा खासा है. बट स्टिल 3,169 डेथ्स इज अ ह्यूज नंबर जस्ट बिकॉज ऑफ अ वायरस. ठीक है, सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ डेडली एंड हाउ डेंजरस दैट वायरस इज. सेकेंड कंट्री की अगर हम बात करेंगे तो वो है, यहाँ पे लिस्ट डाउन जो हुआ है वो है इटली. ठीक है, इटली में 15,113 केसेस सामने आए हैं. ठीक है, सो आई एम रीडिंग आउट फ्रॉम दिस प्रेजेंटेशन दिस डेटा. ये आपको प्रॉपर नहीं दिखेगा, छोटा दिखेगा, इसलिए आई एम रीडिंग आउट फॉर यू. ठीक है, 15,113 केसेस सामने आए हैं जिसमें से 1,016 डेथ्स हो चुकी हैं, 1,016 जाने जा चुकी हैं इसकी वजह से, और नंबर ऑफ पीपल रिकवर्ड इज 1,045. तो यहाँ पे आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखने मिल रही है कि 1,000 लोगों की जान जा चुकी है 1,016 और 1,045 रिकवर्ड हुए, यानी रफली 2,000 से थोड़ा ज्यादा है, और नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड आर 15,000 यानी 1,000 लोगों ने जान गंवा चुके हैं, 1,000 लोग रिकवर हो चुके, 13,000 अभी भी इससे जूझ रहे हैं और अभी भी इनकी रिकवरी प्रोसेस और हीलिंग प्रोसेस और ट्रीटमेंट वगैरह चालू है. तो अभी इसमें से कितने रिकवर होते हैं और कितने नहीं हो पाते हैं ये स्टिल अभी डेटा, जैसे जैसे लोगों का रिकवरी होगी वैसे वैसे अपडेट होगा. ये 550 को लास्ट अपडेट हुआ था, आज की तारीख है, 15-20 मिनट पहले अपडेट हुआ है.
इतना अब तक का आप लोगों को समझ में आ रहा है बेसिक्स इस जो तो मैंने आपको बताया अब तक दो कंट्रीज के बारे में, इतना क्लियर हो गया है और इतना इसकी सीरियसनेस आपको समझ में आ रही है, तो थम्स अप देके एक्नॉलेज करो। इसके बाद मैं आपको रफली बाकी के नंबर्स बताऊंगा और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्सरसाइज कैसे आपको हेल्प कर सकती है टू टैकल विद दिस, ठीक है, और कैसे आप इससे सेफ्टी सेफ्टी भी रख सकते हो, कैसे आप अपना ख्याल रख सकते हो अपना और अपने फैमिली मेंबर्स का, फ्रेंड्स का और आसपास के लोगों का, वो भी हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। सो गिव मी अ थम्स अप इफ अंडरस्टैंडिंग, एक्नॉलेज कर दो थम्स अप के साथ। वसीम रहमान जी से यस सर, पॉस्चर करेक्ट नहीं है इसलिए कभी कभी नेक पेन होता है। नेक पेन हो रहा है, ठीक है, अभी ही अपने पॉस्चर को ठीक कीजिए वरना कल को चल के बैक पेन भी हो सकता है, बिकॉज ए बैड पॉस्चर कैन गिव यू नॉट ओनली नेक पेन बट शोल्डर पेन, योर लोअर बैक पेन एंड ऑल्सो ये हिप ज्वाइंट पेन, वो भी हो सकता है पॉस्चर। इसीलिए हमारी बॉडी में स्पाइन जो है एक स्पेसिफिक रीजन की वजह से कर्व में आती है, ये एस शेप में ऐसी आती है, पूरी स्ट्रेट नहीं होती है हमारी स्पाइन, ये ऐसे एस शेप में कर्व होती है। देयर इज अ रीजन फॉर दैट, बिकॉज आपकी बेंडिंग एक्सटेंशन वो सारी चीजें उस पर डिपेंड करती है, इस वजह से वो कर्व दिया गया है। अगर वो कर्व आप डिस्टर्ब करते हो, जैसे कि एस शेप में ये ऐसा है बट आप आगे झुक के बैठते हो तो ये मुड़ जाती है आपकी स्पाइन, स्पाइन आपकी काफी लचीली है काफी फ्लेक्सिबल है, बट उसको मिसयूज नहीं करना। अगर आप उसको मिसयूज ऐसे पोस्चर को आप ऐसे कर दोगे, ठीक है, अगर आपका एल्बो जो है ये ऐसे बेंड होता है, अब आप इसको ऐसे मोड़ने की कोशिश करोगे थोड़ी देर तो आप बर्दाश्त करोगे, बहुत देर तक इसको मोड़े रखोगे तो बहुत दुखेगा, सुन्न हो जाएगा और दुखेगा और वहां पे नमनेस आ जाएगी। सो सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइस, वी आर बैक लाइव एंड वसीम जी का हम क्वेरी डिस्कस कर रहे थे। सो एज अ सेड कि जॉइंट आपका एक स्पेसिफिक मूव पोजिशन में और स्पेसिफिक एंगल पे मूव होता है और फोल्ड होता है, अगर आप उसको मिसयूज करते हो, बैड पॉस्चर आप ध्यान नहीं देते हो, तो ओवर यूज ऑफ या फिर मिसयूज ऑफ योर पॉस्चर की वजह से वो आपको स्ट्रेन आने लगता है, पेन होने लगता है। सो पॉस्चर करेक्शन एक्सरसाइजेस कीजिए, जस्ट क्लिक ऑन माई प्रोफाइल पिक्चर एंड स्क्रोल अप, यू विल बी एबल टू सी दोज वीडियोज जहां पे मैंने पॉस्चर करेक्शन एक्सरसाइजेस दिखाए हुए हैं फॉर योर नेक, फॉर योर बैक, फॉर योर स्पाइन एंड फॉर योर एंटायर बॉडी। सो प्लीज गो थ्रू दैट एंड परफॉर्म इट, यू विल बी एबल टू इम्प्रूव योर पॉस्चर, जो पेन आपको हो रहा है वो भी आप उससे रिलीफ पा सकते हो। एंड थैंक यू फॉर द कन्फर्मेशन बाई गिविंग अ थम्स अप वसीम जी, ठीक है। सो हम कोरोना वायरस डिस्कस कर रहे हैं, लेटेस्ट रिपोर्ट इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सो कमिंग बैक टू द डेटा विच आई वॉज शोइंग यू गाइज, ये रीसेंट डेटा है, 5:50 में ये और लेटेस्ट अपडेट हुआ है आज के ही दिन का, 15-20 मिनट पहले, 25 मिनट पहले का। सो चाइना एंड इटली में हमने चेक कर लिया कि कितने केसेस कंफर्म हुए, कितने डेथ्स हुई है और कितने लोग रिकवर हुए हैं। अभी पूरे कंट्रीज तो हम एक साथ पूरा नहीं चेक करेंगे वरना पूरा टाइम उसमें ही निकल जाएगा, बट एक रफली मैं आपको बता दूं कि कितनी कंट्रीज इफेक्ट हुई है। चाइना, इटली, ईरान, साउथ कोरिया, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट्स, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, जापान, स्वीडन, डेनमार्क, नेदरलैंड्स, यूके, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, कतार, बहरीन, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, कनाडा, हांगकांग, फिनलैंड, इसराइल, आइसलैंड, ग्रीस, यूएई, कुवैत, इराक, पोर्चुगल, ब्राजील, इंडिया, इंडिया का नाम आया है तो इंडिया का भी हम थोड़ा सा और डिटेल चेक कर लेते हैं। जो एज पर दिस डेटा इंडिया में रिपोर्टेड नंबर्स यहाँ पे केसेस कंफर्म दिख रहे हैं 75 एज पर दिस डेटा, ठीक है, जिसमें से अरे रुको ना मैं टाइम पास कर रहा हूँ। सो अगेन सॉरी फॉर द इंटरप्शन। सो इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो 1,35,000 से भी ज्यादा लोग इफेक्टेड हुए हैं, ओके, एज पर द डेटा जो कि 550 को हुआ है। 1,35,000 लोग इफेक्ट हुए हैं जिसमें से 5,000 डेथ्स हो गई, दैट्स अ ह्यूज नंबर वर्ल्ड वाइड, 5,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दिए हैं। इसके अलावा 67,000 पीपल रिकवर्ड, रेस्ट ऑफ द गाइज आर स्टिल स्ट्रगलिंग विद द रिकवरी एंड द हीलिंग प्रोसेस। तो जिसको बहुत छोटा और मामूली समझने वाला वायरस नहीं है ये, इट इज़ वेरी 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 सीरियस इशू जो कि आग की तरह फैल रहा है, ठीक है। सो
जैसे आग फैलती है कागज में या फिर पेट्रोल में, उस जैसे कितना फास्ट फैलती है, सिमिलरली इट इज स्प्रेडिंग लाइक एनीथिंग, इट इज स्प्रेडिंग लाइक फायर इन द फॉरेस्ट, बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है। अभी तो हमने कंट्रीज डिस्कस किए हैं, बट अगर गॉड फॉरबिड अगर हमने इसका सीरियसली ख्याल नहीं रखा और सीरियसली हमने इसके बारे में कुछ सीरियस इशू स्टेप्स नहीं लिए, तो ये कंट्रीज वाइज के बदले हमको स्टेट वाइज या सिटी वाइज डिस्कस करना पड़ सकता है। व्हेन आई से दिस आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट कि हमको इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। सो व्हाट ऑल थिंग्स डू यू नीड टू डू इन ऑर्डर टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस वायरस टू एंटर योर बॉडी और इट प्रिवेंट इट फ्रॉम हार्मिंग यू। ठीक है, ओनली वन थिंग कैन प्रोटेक्ट यू एंड प्रिवेंट यू, व्हाट इज दैट? एनी गेसेस गाइस, आप लोगों को पता है कि कौन सी चीज आपको प्रोटेक्ट कर सकती है? क्या वो मास्क पहनना है या कुछ और है? व्हाट इज दैट व्हिच कैन प्रोटेक्ट यू फ्रॉम दिस वायरस और एनी अदर वायरस? व्हाट इज दैट? लेट मी सी कि आप लोग मेरी क्लास अगर रेगुलर देखते हो तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज दैट थिंग, व्हाट इज दैट वन थिंग व्हिच कैन प्रिवेंट यू फ्रॉम दिस वायरस और एनी अदर वायरस, चाहे वो कोरोना वायरस हो, स्वाइन फ्लू, ब्लड फ्लू, व्हाट एवर इट इज, आपको प्रोटेक्ट करेगा। व्हाट इज दैट वन थिंग? सर, ये वायरस इंडिया में आया कैसे? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। जहां पे ये स्टार्ट हुआ था चाइना में, वहां के लोगों में फैलने लगा। और लोग आजकल की दुनिया में कितना ट्रैवल करते हैं पता है, राइट? एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाना पहले के जमाने में बहुत, आज फ्यू डेकेड्स अगो इफ यू गो, कि बहुत कम लोग जा पाते थे एक कंट्री से दूसरे कंट्री। आजकल तो एक कंट्री से दूसरे कंट्री लोग ऐसे जाते हैं जैसे दे आर ट्रैवलिंग फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी इन द सेम कंट्री, इतना ज्यादा इजी कन्वीनियंट हो गया। तो एयरपोर्ट्स में, पब्लिक प्लेसेस में लोग वहां से यहां आ रहे हैं, जो इफेक्टेड पीपल थे वो वर्ल्ड वाइड जहां से वहां, वहां से वहां, इसके साथ में रह के उसको हो गया, उसके साथ में रह के उसको, ऐसे स्प्रेड होता है ये। ठीक है, तो हुआ था चाइना में स्टार्ट ये, बट चाइना के कुछ लोग हो सकता है अफेक्टेड ट्रैवल कर रहे थे कहीं और, उनसे किसी और को लगा, उनसे किसी और को लगा, वो कहीं और गए, वो कहीं और गए, उनमें से कोई इंडिया आया, फिर इंडिया, इस तरह से ये स्प्रेड हुआ बिकॉज ऑफ पीपल ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, अफेक्टेड पीपल ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उनके थ्रू किसी और को लगा एंड इट इज गेटिंग स्प्रेड ऑल ओवर। ठीक है, सो वसीम रहमान जी बिल्कुल सही जवाब, इम्यूनिटी, भारती जी इम्यूनिटी, करण इम्यूनिटी, वसीम जी, मुकेश, फैंटास्टिक। इसीलिए गोकी प्ले में आपको एक्टिव रहना है, हमारी क्लास और हमारे सारे कोचेस की क्लास देखना, ताकि आपको सही आंसर्स पता रहेंगे कि व्हाट इज इट विच कैन प्रोटेक्ट यू फ्रॉम एनी काइंड ऑफ थिंग, दैट्स योर इम्यून सिस्टम। व्हाट डू यू मीन बाय इम्यून सिस्टम और व्हाट डू यू मीन बाय इम्यूनिटी? एनीवन वांट टू गिव इट अ ट्राई कि इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी प्रोटेक्ट करती है सबको, बताए क्या होती है इम्यूनिटी, व्हाट इज दैट? तो सर भाई, चाइना का वीजा बंद क्यों नहीं कर दिया स्टार्टिंग में ही सब कंट्री ने? तो पहले इसको समझ रहे थे लोग कि व्हाट इट इज, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, सारे लोग समझ रहे थे कि व्हाट इज इट एंड हाउ डेंजरस इट इज एंड हाउ इट कैन बी स्प्रेड। ये सारी चीजें समझने में थोड़ा सा वक्त लगता है। मीन वाइल पीपल स्टार्टेड ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग तो चलती रहती है, बिजनेस इज स्प्रेडिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, एक कंट्री दूसरे कंट्री से बिजनेस कर रही है। इवन आजकल प्राइवेट कंपनीज या मल्टीनेशनल कंपनीज, ऑब्वियसली अलग अलग कंट्रीज में आना जाना लोगों का होता है, तो ये बहुत फास्ट स्प्रेड हुआ। ये बोल सकते हो कि प्रिवेंशन का या संभलने का मौका इतना ज्यादा नहीं मिला, ठीक है, ये बोल सकते हो आप। बट जैसे ही पता चला कि ये स्प्रेड हो रहा है, तो अभी बहुत सारी जगह हो गया, ऑलमोस्ट सभी जगह ऐसा हो गया कि वीजाज बहुत सारी जगह के सस्पेंड हो चुके हैं, यू कैन नॉट ट्रैवल आउट स्टेशन, एंड इनफैक्ट दैट्स द सेफेस्ट थिंग टू डू। अपने साथ हमेशा सेफ्टी, इसको ध्यान से सुनिए, अपने साथ हमेशा एक छोटा सा आप फर्स्ट एड किट रख सकते हो, या सेफ्टी बॉक्स आई वुड से वो आप रख सकते हो, जिसमें कि आपके पास सैनिटाइजर, हैंड वॉश और ये सारी मास्क वगैरह, ग्लव्स वगैरह अगर ये हैं वो रखिए। पब्लिक प्लेसेस अवॉइड करो, बर्थडे पार्टी, सिनेमा हॉल, थिएटर्स वगैरह कहीं मत जाइए, ऐसी जगह पे जहां पे बहुत सारे लोग होते हैं वहां पे मत जाइए। नाउ दिस डजंट मीन कि आप अपने फैमिली मेंबर्स या दोस्तों रिश्तेदारों से भी नहीं मिलेंगे, मिलो, बट फिजिकल टच आप मत करो, बिकॉज ये जो वायरस है ये हवा के थ्रू, एयर के थ्रू नहीं फैलता है, इट इज स्प्रेडिंग थ्रू फिजिकल टच। एक पर्सन दूसरे पर्सन को जब टच करता है तब जाके ये स्प्रेड होता है। सो फिजिकल कॉन्टैक्ट में मत आइएगा किसी से, और अननोन पर्सन से आई वुड से कि मत मिले, जब जिनको आप जानते हो, रेगुलरली मिलते जुलते हो उनसे आप फिर भी मिल सकते हो, अवॉइडिंग द फिजिकल कॉन्टैक्ट, और अननेसेसरीली नहीं मिलना है। हाँ, अगर जरूरत है तो ऐसे नहीं कि आप घर में अपने आपको रूम में लॉक करके बैठो, ऐसा भी मत कीजिएगा, बट अननेसेसरी मीटिंग्स या अननेसेसरी क्राउडेड प्लेसेस पे जाना या फिर अननेसेसरी अनवांटेड या अनवांटेड सॉरी अननोन लोगों से मिलना आपको अवॉइड करना है, ताकि आपकी सेफ्टी रहे, और हर थोड़ी देर में आपको थोड़ा सा अपना सेहत का ख्याल रखना। आपको लग रहा है कि आपने कोई फिजिकली किसी चीज को टच किया, किसी पर्सन को नहीं आई एम टॉकिंग अबाउट, किसी चीज को भी अगर आपने टच किया है तो आपको थोड़ा सा
हाथ वगैरह धोना है, सैनिटाइजर वगैरह यूज करना है, इतना भी ओवर नहीं करना है कि हर 5-5 मिनट में 10-10 मिनट में कि धोना है, इतना भी ज्यादा जरूरी नहीं है, बट ट्राई टू कीप हाइजीन। एंड कभी भी आप बाहर जा रहे हो तो लगा के जाओ सैनिटाइजर, वापस आ रहे हो तो फिर आके अच्छे से हैंड वॉश धो लो, हैंड वॉश कर लो, नहा लो इफ पॉसिबल। तो ये सब चीज़ आप करो, ऐसे नहीं कि घर में ही बैठे हो 10-10 मिनट का अलार्म आपने लगाया 10-10 मिनट में हाथ धो, ऐसा भी नहीं करना आपको, ठीक है। सो यू हैव टू बी लिटिल स्मार्ट ऑन व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, ठीक है। ये था इसका प्रिकॉशंस और प्रिवेंशन का तरीका। इसके अलावा कमिंग बैक टू द इम्यून सिस्टम, अगेन इम्यून सिस्टम क्या करता है वो मैंने पूछा था, टैकल अगेंस्ट डिजीजेस, वेरी गुड, इनर हेल्थ, ओके, मार्केट मीटिंग फॉर बिजनेस या वो भी अवॉइड करें, जाओ काम आपका रुकना नहीं चाहिए, ट्राई करो कि अगर वो इंपॉर्टेंट है या अनइम्पॉर्टेंट है, डैट आपको डिसाइड करना कि इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर यू और इज इट लेस इंपॉर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट फॉर यू। अनइम्पॉर्टेंट है, लेस इंपॉर्टेंट है, अवॉइड किया जा सकता है तो करो, आपकी उसी के ऊपर पूरी इनकम डिपेंड है, अगर आपका उसी के ऊपर आपका बिजनेस डिपेंड है तो ऑब्वियसली आपको जाना पड़ेगा, बट मेक श्योर कि यू टेक ऑल द प्रिकॉशन, सेफ्टी बॉक्स आपका साथ में रखिएगा और फिजिकल टच में मत आइएगा डाटा वुड से, अदरवाइज आप जा सकते हो, ठीक है। और इन सबसे ऊपर ये सारी चीजें तो छोटा मोटा लेवल है, ये सब तो होता ही रहता, चलता रहता है, एवरीवन कैन डू। द मेन थिंग विच कैन प्रोटेक्ट यू एंड प्रिवेंट यू फ्रॉम दैट इज योर इम्यून सिस्टम, आपकी इम्यूनिटी ही सब कुछ है, ठीक है। आसिफ हुसैन जी, वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू, वेरी गुड इवनिंग सर। अगर ये इंक्रीज होगा तो अपकमिंग डेज में तो सच में अपने आपको लॉक करना ही पड़ेगा एक रूम में। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आप उन लोगों के बीच भी जा सकते हो जिनको ये है ऑलरेडी और आपको कुछ नहीं होगा, ठीक है। नाउ प्लीज मेक अ नोट, आई एम नॉट एनकरेजिंग यू टू गो एंड टच देम एंड गो एंड मीट देम, बट आई एम सेइंग कि अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो आप कोई ऐसे लोगों से मिल भी लेते हो कि जिनका जो अफेक्टेड है तो भी आपको कुछ नहीं होएगा। व्हाई? बिकॉज योर इम्यूनिटी विल प्रोटेक्ट यू। इम्यूनिटी इज जस्ट लाइक योर सोल्जर्स इन द बॉर्डर। हमारे इंडिया को या हर एक कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए सोल्जर्स होते हैं ताकि बाहर से टेररिस्ट अंदर ना आ सके, और अंदर अगर कोई आ गया है तो उनको मार गिरा सके, उनको पकड़ सके, ठीक है। ये हमारे सोल्जर्स का काम होता है, ओके, दे प्रोटेक्ट अवर लाइव्स, अवर कंट्रीज, पुटिंग देयर लाइफ ऑन लाइन, है ना। इसी तरह से हमारी इम्यूनिटी बाहर से जो बैक्टीरियाज, वायरस, पैथोजेंस, कार्सिनोजेंस, ये सारी चीजें जो हमको फिजिकल कॉन्टैक्ट में हम आते हैं दिन भर में विदाउट इवन रियलाइजिंग, जैसे कि आप नोट 100 रुपीज, 500 रुपीज, 2000 रुपीज की नोट्स जो है, ठीक है, आप पैसे लेना देना तो होता है, आप कौन सी वाली नोट पे किसका हाथ लगा था, कौन सा बैक्टीरिया, यू कैन नॉट सी देम विद योर नेकेड आई, राइट, आपको नहीं पता है, बट आप करेंसी यूज करते हो पब्लिक प्लेसेस पे, आप पब्लिक ऐसी जगह पे हाथ लगाते हो, लिफ्ट यूज करते हो, बटन दबाते हो लिफ्ट का, कितने लोगों ने उस बटन पे हाथ लगाया होगा, राइट, यू नेवर नो। तो इतना कॉन्टैक्ट होता ही है, बट आप बीमार क्यों नहीं पड़ते हो हर दूसरे दिन, क्यों? बिकॉज ऑफ योर इम्यून सिस्टम, वो आपको प्रोटेक्ट करता है, बैक्टीरियाज को, वायरसेस को अंदर आने से रोकता है, अगर कोई आ भी गया फॉर एग्जाम्पल उसको मार गिराता है, ये हमारा काम होता है इम्यून सिस्टम का। सो इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्गर इम्यून सिस्टम, दैट्स द ओनली वे टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम कोरोना वायरस और एनी अदर वायरस और एनी अदर बैक्टीरिया और फ्रॉम फॉलिंग सिक और फॉर गेटिंग एनी काइंड ऑफ मेडिकल कंडीशन। कोई मेडिकल कंडीशन हो भी जाती है अगर, तो उससे हीलिंग भी आपकी रिकवरी आपके इम्यूनिटी से ही होती है, ठीक है। डायरेक्टली मीन येस, दैट्स एग्जैक्टली वट आई मीन, कि अगर आपका इम्यून सिस्टम लो है एंड आपकी टाइमिंग गलत है, सो इम्यून सिस्टम भी आपका फ्लक्चुएट होता रहता है, सम पॉइंट इट इज वेरी स्ट्रांग, सम पॉइंट इट इज वेरी वीक। जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड होते हो तो आपका इम्यून सिस्टम ड्रॉप हो जाता है, जब आप बहुत खुश हैप्पी रहते हो, अच्छी स्लीप, अच्छी एक्सरसाइज, तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है, सो इट फ्लक्चुएट्स। तो ऐसे टाइम पे जहां पे आपका इम्यून सिस्टम वीक था, उस टाइम पे अगर आपको ये वायरस पकड़ लिया तो फिर हो सकता है कि इट विल एंटर योर बॉडी एंड इट विल अफेक्ट यू। तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है बट 24 आवर्स वो स्ट्रांग नहीं रहती है, राइट, क्योंकि स्ट्रेस आजकल सबकी लाइफ में, जब कभी भी आप स्ट्रेस लेते हो तो आपका इम्यून सिस्टम ड्रॉप होने लगता है, ठीक है। सो यू हैव टू मैनेज योर स्ट्रेस एफिशिएंटली एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर इम्यूनिटी। इम्यूनिटी बिल्डिंग फूड्स भी होते हैं बट द बेस्ट इम्यूनिटी बूस्टर्स आर स्लीप, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड एक्सरसाइज, ठीक है। एक्सरसाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जब आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर रहता है, एक्सरसाइज से क्या होता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन ओवरऑल इंप्रूव एंड इंक्रीज होता है। जब आपका ब्लड सर्कुलेशन ओवरऑल इंक्रीज एंड इंप्रूव हो रहा है तो ब्लड के साथ दो चीजें जाती है, विच इज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन। तो जो भी आप खा रहे हो वेरी गुड, बट आपका ब्लड सर्कुलेशन ही प्रॉपर नहीं है तो आपके सेल्स तक वो नहीं पहुंच पाएगा। सो यू नीड टू एक्सरसाइज, यू नीड टू हैव अ गुड ब्लड फ्लो इन ऑर्डर फॉर यू टू लेट द न्यूट्रिशन रीच आउट टू योर सेल्स, यू नीड अ प्रॉपर ब्लड फ्लो। तो उसके लिए एक्सरसाइज करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करते हो ब्लड फ्लो बढ़ता है, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन आपकी हर एक सेल के पास पहुंच रहा है, एज अ रिजल्ट कोई भी सेल्स आपकी अनहेल्दी या वीक या करप्ट नहीं होती है,
कोई भी सेल्स आपकी इफेक्ट नहीं होगी, एवरी सेल कैन डिफेंड इट सेल्फ एंड दे हैव दैट स्ट्रेंथ एंड दैट पावर एंड दैट स्टंट बेसिकली, कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करती हैं एंड दे आर हेल्दी, वो इफेक्ट नहीं होगी किसी भी बैक्टीरिया वायरस की वजह से. जब उसको सेल्स को आपके ऑक्सीजन न्यूट्रिशन नहीं मिलता तो वो वीक हो जाती है, वल्नरेबल हो जाती है, सम डाई, सम बिकम वेरी वेरी वीक एंड तो उस वजह से फिर वीकनेस की वजह से अगर बैक्टीरिया वगैरह कोई इफेक्ट हो गया तो उस सेल्स की वजह से फिर वो स्प्रेड भी हो सकता है, राइट. सो आपकी सेल्स पर ब्लड सर्कुलेशन पहुंचना बहुत जरूरी है और ये होता है किससे, एक्सरसाइज से. जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा ब्रीदिंग भी बढ़ती है और हार्ट बीट भी बढ़ती है. दैट मीन्स आपका ब्लड सर्कुलेशन तो बढ़ रहा ही है बट आपका ऑक्सीजन इनहेलिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है. अभी दिन भर मैं अभी बैठ के बात कर रहा हूँ आपसे, मैं रेगुलर ब्रीदिंग कर रहा हूँ, बट अगर मैं एक्सरसाइज करूंगा इस वक्त तो मैं इतना नॉर्मली बात नहीं कर पाऊंगा, मैं ब्रेथलेस होता रहूंगा. दैट मीन्स फास्ट इनहेल एंड फास्ट एक्सहेल में रहा. अभी मैं जितना नॉर्मल इनहेल होकर एक्सहेल हो रहा है, एक्सरसाइज करते हुए कि फास्ट इनहेल और फास्ट एक्सहेल होगा. दैट मीन्स अगर मैं एक मिनट में 60 टाइम्स अगर ब्रीदिंग कर रहा हूँ तो एक्सरसाइज करते वक्त एक मिनट में मैं 100 टाइम्स ब्रीदिंग कर रहा हूँ, ठीक है. तो एक बार में अगर मैं 10 ml ऑक्सीजन लेता हूँ तो 100 टाइम्स में मैं कितना ज्यादा ले सकता हूँ, राइट. ऑक्सीजन इनटेक हमारा बढ़ जाता है और जब बॉडी में ऑक्सीजन रहता है तो आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है बिकॉज ऑक्सीजन बिल्ड्स अप योर इम्यूनिटी. इसीलिए सजेस्ट किया जाता है जब कभी भी आप स्ट्रेस्ड हो डीप ब्रीदिंग लो ताकि आपका स्ट्रेस कम हो, इम्यूनिटी बढ़े. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी क्रूशियल फॉर अवर हेल्थ. इसके अलावा आपका मसल एक्टिवेशन, आपके मसल स्टिमुलेशन, आपकी हार्ट हेल्थ, आपकी ऑर्गन हेल्थ, आपकी बोन डेंसिटी, आपकी जॉइंट हेल्थ, आपका हार्मोनल बैलेंस, आपका डिटॉक्सिफिकेशन, सब एक्सरसाइज की वजह से होता है. डिटॉक्सिफिकेशन इज अगेन वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज जो भी टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में आए हैं उनको फ्लश आउट करना है, एक्सक्रीट करना है. वो कैसे होगा, जब आप एक्सरसाइज करते हो, जब आपकी रिकवरी होती है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं बॉडी उसको फ्लश आउट करती है. तो इसके लिए भी एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है. सो दिस इज हाउ एक्सरसाइज कैन नॉट ओनली प्रिवेंट यू एंड प्रोटेक्ट यू फ्रॉम कोरोना वायरस बट एनी अदर वायरस एंड एनी अदर बैक्टीरिया विच कैन हार्म यू एंड विच कैन अफेक्ट योर हेल्थ, ठीक है. तो एक्सरसाइज 3 times एटलीस्ट आपको पर वीक करना है, आधे आधे घंटे के लिए. ओवर एक्सरसाइजिंग भी नहीं करना है. अगर आप ओवर ट्रेनिंग करते हो तो डैट अगेन हार्म्स यू बिकॉज आप जिम जा रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो हेल्दी बनने, बट एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करने की वजह से फिर वीक बन जाओगे, इम्यूनिटी लो हो जाती है. एनीथिंग ओवर एंड एक्स्ट्रा इज नॉट गुड. ओवर थिंकिंग, ओवर स्लीपिंग, ओवर ईटिंग, ओवर स्ट्रेसिंग, राइट, ये सारी चीजें हमारे लिए. स्लीपिंग इज गुड, थिंकिंग इज गुड, ईटिंग इज गुड, बट ओवर थिंकिंग इज नॉट गुड, ओवर स्लीपिंग इज नॉट गुड, राइट, ओवर ईटिंग इज नॉट गुड. इसी तरह ओवर कोई भी चीज करना इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ. इसीलिए ओवर एक्सरसाइजिंग इज ऑल्सो नॉट गुड, है ना. स्मार्टनेस इज गुड बट ओवर स्मार्टनेस इरिटेट करती है, राइट. इसीलिए ओवर कोई भी चीज अच्छी नहीं होती है. सो एक्सरसाइज करो 2 to 3 times इन अ वीक इज गुड इनफ एंड आप इसको बहुत ज्यादा देर तक मत करो. 30 minutes इज गुड इनफ, ठीक है. ट्राई नॉट टू डू आउटडोर एक्सरसाइजेस नाउ डेज. आप चाहो तो आप इंडोर एक्सरसाइजेस कर सकते हो या फिर आपके सोसाइटी का क्लब हाउस वगैरह है तो उसमें, या फिर बहुत ज्यादा क्राउडेड जिम है तो वहां भी मत जाइए आउट से बिकॉज एक ही डंबल पे एक ही बारबेल पे बहुत अलग अलग लोग हाथ लगाते हैं तो अगेन बैक्टीरिया ट्रांसफर होने का चांसेस ज्यादा है. सो इंडोर एक्सरसाइजेस, होम एक्सरसाइजेस आर बेस्ट. घर में डंबल बारबेल या रेजिस्टेंस बैंड है तो आप उससे भी कर सकते हो, ठीक है. नेक्स्ट स्लीप का भी थोड़ा सा चेक कर लेते हैं. व्हेन यू स्लीप यू अगेन डिटॉक्सिफाई योर सेल्फ, योर इन्फ्लेमेशन लेवल लोअर्स डाउन, योर हार्मोनल बैलेंस हैपन्स, योर रिकवरी हैपन्स, योर हीलिंग हैपन्स, योर ऑर्गन्स रेस्ट, योर ब्रेन सबकॉन्शियस माइंड ऑलवेज वर्क बट योर कॉन्शियस माइंड रेस्ट अ लिटिल बिट. सो तब जाके फिर आपकी इम्यूनिटी भी और ज्यादा स्ट्रांग होती है, ठीक है. सो ये कुछ चीजें आप कर सकते हो. इसके बारे में मैं नेक्स्ट क्लास भी लूंगा जहां पे हम और कुछ फैक्टर्स एंड और कुछ पैरामीटर्स को इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि कैसे आप आपकी इम्यूनिटी को और स्ट्रांग बना सकते हो और कैसे आप कोरोना वायरस को फाइट कर सकते हो. सो टिल देन प्लीज टेक केयर. अपनी और अपनी सराउंडिंग को साफ रखिएगा, अपने आप को साफ रखिएगा रेगुलरली. आप एक सेफ्टी किट या फिर जैसे कि मैंने बताया फर्स्ट एड बॉक्स या सेफ्टी किट अपने पास रखिए. वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली, अवॉइड पब्लिक प्लेसेस या पब्लिक गैदरिंग्स या क्राउडेड प्लेसेस. फिजिकल टच, फिजिकल कॉन्टैक्ट अवॉइड कीजिए स्पेशली अननोन लोगों से और अपनी इम्यूनिटी का ख्याल रखिएगा, ठीक है. ट्राई ऑल 3 components. थैंक यू वेरी मच करण एंड प्लीज टेक केयर एवरी वन. एंड मैं नेक्स्ट आपको मिलूंगा कल सुबह 10 विद अनदर क्लास. एंड अभी जैसे ही मेरी क्लास खत्म होगी कोच मुकेश की क्लास है, फिर कोच विशाखा 7 ऑन 7 o'clock विशाखा ऑन लाइफ स्टाइल टिप्स, 7:30 सना ऑन बेली डांसिंग, ठीक है. तो एक्टिव रहिए एंड लर्न अ लॉट अबाउट हेल्थ एंड फिटनेस फ्रॉम अवर गोकी प्ले कोचेज. एंड जैसे ही क्लास अभी खत्म होगी आपका ऑप्शन आएगा वीडियो को रेट करने का और रिटर्न फीडबैक देने का. सो प्लीज रेट दिस क्लास एंड गिव द रिटर्न फीडबैक एज वेल. सो सी यू टुमारो 10 AM. टिल देन हैव अ ग्रेट इवनिंग एंड टेक केयर. बिल्ड अप योर इम्यूनिटी एंड बी द फोर्स.